दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कि एग्जाम की, की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हेलो गाइस वेलकम टू दिस चैनल तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन से चार मार्च आठ मार्च सत्ताईस मार्च या सात अप्रैल तो इसका सही जवाब है तो इसका सही जवाब है सात अप्रैल नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है सत्रह अप्रैल बाईस अप्रैल सत्ताईस मार्च या बाईस मई तो इसका सही सही जवाब है बाईस अप्रैल तीसरा क्वेश्चन भारत में प्रभावित भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भारत में बनने वाली सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गंगा नदी नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू एच ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ऑप्शन ए पेरिस बी वॉशिंगटन सी जेनेवा डी फ्रांस तो इसका सही आंसर है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन है चार मार्च आठ मार्च पाँच जून आठ जून तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आठ मार्च को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया तो दोस्तों इसमें दो तरह से आंसर बनते हैं एक तो भारत में कब किया और एक पहली बार कब किया तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है तो इसका आंसर होगा गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे ऑप्शन है 1915 1916 1917 और 1905 तो इसका आंसर है 1915. अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप का निर्माण किया है ऑप्शन ए कोविन ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऑप्शन सी कोवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है कोविन कोविन दोस्तों जो है जो कोविन ऐप के ज़रिए आप कोविना कोविन कोवि, आ, कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी से थैंक यू धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत